हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट तो देखिए ये वीडियो है आपका बेसिकली बी ए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के लिए है ये और इसमें हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड यूनिट फर्स्ट और सेकेंड की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ से देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे वहाँ से आप उनको देख सकते हो तो इंग्लिश के अलावा पॉलिटी हिस्ट्री या किसी और भी सब्जेक्ट की अगर आप लेक्चर्स चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सभी लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी तो ये है आपका सेकंड पार्ट इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी यूनिट थर्ड पे जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ आपके पोयट्रिक डिवाइसेज जिसमें कि टोन रिदम राइमिंग स्कीम्स और मतलब जितने भी आपके पोइट्रिक डिवाइस थे उसमें से काफ़ी हद तक हम डिस्कस कर चुके थे तो आपके काइंड्स ऑफ मीटर रह जाते हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो राइमिंग स्कीम रिदम थीम टोन स्ट्रक्चर ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए या इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखिए क्योंकि आपकी यूनिट कंप्लीट तभी होती है जब आप दोनों वीडियोस को देख लेते हो तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर काइंड्स ऑफ मीटर अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर इज़ द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट रेगुलर यूनिट्स में जो एक रिकरेंस मतलब एक रिपीटेशन आपको नज़र आता है कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स में मतलब कुछ फीचर्स अगर एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर नोट के बाद वापस से रिपीट होते हैं ना सो दैट इज दैट प्रोमिनेंट फीचर इज कॉल्ड मीटर सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज दे आर फोर मेन टाइप ऑफ मीटर्स इन यूरोपियन लैंग्वेज तो देखिए यूरोपियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड किया गया है इनको फोर मेन टाइप्स में तो so मीटर के चार टाइप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो सिर्फ मीटर को जानना ज़रूरी है ये वाले टाइप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम डिस्कस कर लेते हैं इनको बिकॉज हमें यूनिट एकदम कम्प्लीट करनी है तो so क्वान्टिटेटिव की बात करें तो इन क्लासिकल Greek and Latin. The meter was quantitative a uh, recurrent pattern of a long and short syllable. तो देखिए Greek pattern के according अगर हम बात करें तो classical Greek और Latin में बोला गया है कि जो meter होता है मतलब जो quantitative uh, quantitative meter होता है आपका उसमें क्या होता है longer short syllables uh, syllables का एक recurrent pattern होता है तो कुछ खास इसमें नहीं है आराम से आप इसको याद कर पाओगे फिर आपका स्लेबिक मीटर जिसमें कि इन द फ्रेंच द मीटर वॉज अ स्लेबिक तो फ्रेंच में इस मीटर को स्लेबिक बोला गया है और देख लेते हैं कि ये क्या कहता है मीटर तो ये बात करता है अबाउट द नंबर ऑफ सिलेबल्स विद इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स विदाउट रिगार्ड टू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस मतलब एक पर्टिकुलर लाइन या आपका लाइन ऑफ वर्ड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सिलेबल यूज़ किए गए हैं बिना स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के ठीक है तो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को काउंट नहीं किया है केवल नंबर ऑफ सिलेबल्स की ये बात करता है तो इसीलिए इसका नाम जो है वो आपका स्लेबिक मीटर है नेक्स्ट है आपका असेंशियल मीटर तो असेंशल मीटर सेज अबाउट द ओल्डर जर्मनिक लैंग्वेज इंक्लूडिंग ओल्ड इंग्लिश एंड द मीटर इज असेंशल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन लाइन मतलब एक लाइन के अंदर आपके कितने स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं वो एक काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग या आप कह सकते हो काउंटिंग ऑफ नंबर्स आपको करनी है विदाउट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग अनस्ट्रेस सिलेबल मतलब अभी लास्ट जो हमने पढ़ा वहाँ पे हमने देखा कि केवल आपको सिलेबल को काउंट करना है यहाँ पे आपको केवल स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को काउंट करना है अनस्ट्रेस्ड को नहीं करना है ठीक नेक्स्ट है फिर आपका स्लेबल तो देखिए अभी काफ़ी देर से हम स्लेबल्स स्लेबल पढ़े जा रहे हैं तो अब एक बार देख लेते हैं कि स्लेबल्स होते क्या हैं वैसे आ, मतलब छोटी क्लासेस में हम इसको पढ़ चुके हैं तो अब वैसे पढ़ने की नीड नहीं है बट एक कम्प्लीट रिविज़न हो जाएगा आपको वापस पुराने बुक से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा तो देख लेते हैं स्लेबल अ स्लेबल इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड देखिए स्लेबल जो है ना एक वर्ड का ही पार्ट है मतलब मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ है आपका एक्टिंग तो यहाँ पे जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एक्टिंग आपको देख सकता है कि यहाँ पे ना आपको टू डिफरेंट स्लेबल नजर आ रहे हैं तो आपको एक्टिंग uh, बोलने में क्या है एक्ट पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ा बट एक्टिंग तो टिंग पे आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है तो ये जो स्लेबल है इसके अंदर एक आपका स्ट्रेस्ड स्लेबल है और एक अनस्ट्रेस्ड लेबल है ठीक है तो एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इज अ अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स अ वॉबल साउंड और कॉन्सनेंट एक्टिंग एज अ वॉवल मतलब इसके अंदर या तो वॉबल साउंड होती है या फिर एक कॉन्सोनेंट साउंड जो कि आप एक वॉवल की तरह एक्ट करती है ठीक है अब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड को देखें तो हमें वर्ड से ही समझ आ जाता है कि स्ट्रेस्ड जिसको बोलने में काफी ज्यादा एक जोर या एक स्ट्रेस पावर फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़े बोलने में आपको जब ज्यादा पावर का यूज करना पड़े दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस्डस लेवल और जो कि बोलने में ज्यादा आपको इतना स्ट्रेंथ नहीं लगाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं द सिलेबल दैट इज अटर्ड विद ग्रेटर एफर्ट मतलब जिनको प्रनाउंस करने में ना ज्यादा आपको एफर्ट की नीड हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस्डस लेवल एंड वीक सिलेबल इज वीक एसेंट मतलब जिनको बोलने में ना आपको कोई ऐसे uh, कुछ खास मतलब मेहनत करने की जरूरत पड़ नहीं रही है द बोल रहे हो ना बोलने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही आराम से इजिली उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हो सो दैट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल अब अगर मीटर की बात करें तो वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं तो मीटर की डेफिनेशन को मैं यहाँ पे स्किप करती हूँ बट आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा और ऊपर क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे हमने कुछ यूरोपियन मीटर्स के टाइप्स पढ़े थे बट अब हम आपके जो सिलेबस में हैं बेसिकली उनको देखने वाले हैं या हम अगर बात करें तो सिलेबस में इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है तो सिर्फ इस परपज़ से हम इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं मीटर इन पोइट्री कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फीट तो मीटर के अंदर आपका एक या एक से ज़्यादा फीट यूज़ होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे आयम्ब क्या होता है कई बार हमने पोइट्री में जनरली पोएम्स में पढ़ा है आइएबिक पेंटोमीटर जैसे काफ़ी सारी सोनेट्स के अंदर आयम्बिक पेंटोमीटर फॉलो होता है बट हमें नहीं पता होता कि आयम्बिक पेंटोमीटर होता क्या है तो हम हर जगह उसको पढ़ते हैं रटते हैं और लिख देते हैं बट यहाँ पर यहां पे हम समझने वाले हैं ताकि आगे आपको पोइट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना आए सो द नेम गिवन फॉर द फूट वीक स्ट्रॉन्ग इज़ द आयम्ब एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड आइएबिक मीटर तो देखिए जब आपका एक वीक सिलेबल को आप प्रोनाउंस करें मतलब कोई भी वर्ड लिखा है जिसके अंदर की वीक सिलेबल है तो उस वीक स्ट्रांग uh, को बोला जाता है आएम्ब ठीक है और जब इस पैटर्न को वो फॉलो करें मतलब पूरी लाइन में या पोइट्री में आपको ऐसे वीक स्ट्रांग वीक स्ट्रांग का पैटर्न नजर आए सो दैट इज कॉल्ड आएम्बिक मीटर राइट आई होप इट्स वेरी क्लियर ट्रॉचिक मीटर की बात करें सो वेन द पैटर्न इज अ स्ट्रांग वीक तो अभी हमने देखा आई एमबिक में क्या होता है वीक लेबल स्ट्रोंग लेबल वीक लेबल स्ट्रोंग्स लेबल और ट्रॉचर में क्या होता है पहले आपका स्ट्रॉन्ग होगा फिर वीक होगा फिर स्ट्रांग फिर वीक मतलब आई एमबिक पेंटोमीटर का अपोजिट इज कॉल्ड ट्रॉचर मीटर नेक्स्ट है आपका एनअपीस्ट एनअपीस्ट इज अ फूट हैज दैटर्न वीक वीक एंड स्ट्रोंग इज कॉल्ड एनअपीस्ट तो इसमें भी क्या है आपका वीक वीक देन स्ट्रॉन्ग दे सॉरी वीक वीक स्ट्रांग एंड देन वीक वीक स्ट्रांग सेम पैटर्न अगर आपको कहीं भी नजर आए सो इट इज कॉल्ड एनअपीस्ड मीटर तो लास्ट है हमारा डैक्टाइल ये काफी इंपॉर्टेंट है सो बेसिकली इन अ फूट इफ वन स्ट्रेस सिलेबस इज फॉलोड बाई टू अगर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल जो कि दो अनस्ट्रेस लेवल के द्वारा फॉलो हो तो वहाँ पे जो पैटर्न आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका डैक्टलिक मीटर मतलब आपका एक सिलेबल जो है वो दो अनस्ट्रेस से फॉलो होता है मान लीजिए ये स्ट्रेस्ड है फिर ये अनस्ट्रेस फिर ये अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस तो इसको ना आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा इसी शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको याद रखने में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए अब इसी के साथ हमारी ये यूनिट थर्ड कंप्लीट होती है कुछ आ, वन फीट लाइन या मोनोमीटर्स को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक फीट की लाइन है सो तो इस कॉल्ड मोनोमीटर दो हैं तो डायमीटर तीन है तो ड्राया फोर है तो टेट्रा फाइव में पेंटा देन हैक्स एंड ऑक्टा तो काफ़ी सिंपल सी इजी सी यूनिट थी अब इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है यूनिट वन अगर यूनिट थर्ड का अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से उसको देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए बाय बाय